बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं अब्दुल हलीम हूँ। अगर आप बैरूनी मुल्क से पाकिस्तान का सफ़र कर रहे हैं तो इस ऐप को आपने अपने मोबाइल में लाजमी डाउनलोड करना है, और सफ़र करने से पहले आपने इसमें अपने इंफॉर्मेशन जो है वो लाजमी अपडेट करना है, वरना आपको जहाज़ में नहीं बैठने दिया जाएगा। इस ऐप का नाम है पास ट्रैक, और कैसे आपने इसमें अपना नाम रजिस्टर करना है, तो चलिए अपने स्क्रीन पर चलते हैं, मोबाइल स्क्रीन पे, और वहाँ पर मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो इस ऐप को आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसे पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर इन्होंने दो ज़ुबानें दी है, इंग्लिश उर्दू, और उसके नीचे है रजिस्टर नाउ और लॉगिन। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन हो जाएं, अगर नहीं है, आप नए हैं, तो आप इसमें रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद आप ये नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, जहां आपसे आपका नाम पूछा जा रहा है, ईमेल एड्रेस, जीमेल हो, हॉटमेल हो, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, सेकंड कॉलम में आपने वो देना है। उसके नीचे आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, और उसके नीचे जो है पासवर्ड, तो पासवर्ड आप ऊपर लिख लेंगे। उसके बाद नीचे आप दोबारा जो है उसको कंफर्म करेंगे, और नीचे जो है ये जो आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन के टर्म एंड कंडीशन को आपने सेलेक्ट करके रजिस्टर कर देना है। तो जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो फिर आपने लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर आप ये नीचे प्लस का निशान देख रहे हैं, आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आप बायर आए हैं तो आपने बायर को सेलेक्ट कर देना है। बायर सेलेक्ट करने के बाद आप ये नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, तो उस पर क्लिक करने के बाद हम ये नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, जहां पर आपसे आपका फुल नेम मांगा जा रहा है, फिर उसके अलावा है फादर या हस्बैंड नेम, फिर उसके नीचे है पासपोर्ट नंबर, और उसके नीचे है शनाख्ती कार्ड नंबर। तो हर एक सेल में आपने अपने अपने नंबर जो है, नेम वगैरह उसमें एंटर करने हैं, और उससे नीचे जो है आपसे मेल या फीमेल, उसके नीचे जो है आपका डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, और उसके नीचे वाले कॉलम में जो है आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, और फिर उसके नीचे जो है आपने अपने पासपोर्ट कॉपी अपने मोबाइल में रखना है गैलरी में, जहाँ से ये आप देख रहे हैं एड पासपोर्ट पिक्चर। तो आप अगर कैमरे से लेना चाहते हैं तो कैमरे से भी ले सकते हैं, नहीं तो आप अपने गैलरी से भी अपलोड कर सकते हैं इसमें। वो पेज फिल करने के बाद आप नेक्स्ट प्रेस करेंगे। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद आप ये इस पेज पे आ जाएंगे, जहाँ से आपका जो फ्लाइट डिटेल है वो मांगा जा रहा है। तो आपने एयरलाइन सेलेक्ट करना है सबसे ऊपर वाले में, फिर उसके नीचे जो है फ्लाइट नंबर जो टिकट के ऊपर लिखा होता है वो आपने लिखना है, और आप किस कंट्री से ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवलिंग फ्रॉम कंट्री, थर्ड कॉलम में आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद जो है डिपार्चर डेट, आप वह कब डिपार्चर कर रहे हैं, और उसके अलावा जो है नीचे वाले कॉलम में आपने अराइवल डेट लिखना है, किस डेट को आप अराइव कर होंगे पाकिस्तान में, और अराइवल टाइम जो टिकट पर लिखा होता है उसके नीचे वाले कॉलम में, फिर उसके नीचे वाले कॉलम में जो है अराइवल एयरपोर्ट, एयरपोर्ट सेलेक्ट करना है, और आपके जो उसके नीचे जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चे हैं अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। और इस पर फैमिली का एक और बात बताते चलूँ, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो मियां बीवी ने अपना अपना अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना है, और बच्चों का जो है या तो हस्बैंड के साथ आएगा या वाइफ के साथ आएगा बच्चों का रजिस्ट्रेशन। और उसके नीचे जो है एड्रेस है आपका, एड्रेस कि आप किस सिटी में जाएंगे, घर का एड्रेस आपने देना है, उसके नीचे से सेलेक्ट सिटी, और उसके नीचे जो है तहसील। वो पेज फिल करने के बाद आप ये नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नहीं, वो जो पिछला पेज है आपने उसमें अपना कोरोना टेस्ट जो किया है वो सर्टिफिकेट भी आपने उसमें अपलोड करना है। फिर उसके बाद इसमें जब ये नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप जहाँ पर करंटीना कर रहे हैं वहाँ पर बच्चों या सीनियर लोगों की तादाद तो नहीं है, तो आपने इसमें यस नो करना है। फिर उसके नीचे है कि आपको कोई रहनुमाई चाहिए, तो इसको आपने यस नो करना है। फिर नीचे आपसे और सवालात पूछे जा रहे हैं
कि अगर आपको सांस में कोई तकलीफ़ है या आपको कोई बुखार है, वीकनेस है, कमज़ोरी है या और कोई मसला है, तो आपने इसमें सेलेक्ट करना है। अगर कोई भी नहीं है तो आपने नो सिम्टम पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। तो ये पास ट्रैक आपने लाजमी अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है और इस तरह आपने इसको फिल करके सबमिट कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।